नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम हेलो रिपोर्टर में आज हम बात कर रहे हैं झालू के संवाददाता रिजवान सिद्दीकी जी से, जानेंगे कोरोना महामारी पर अपडेट। हेलो रिजवान जी। जी सर नमस्कार। कोरोना मामले में अब तक आपके क्षेत्र की क्या अपडेट है? हमारे हल्द्वार थाना क्षेत्र में मुंबई से आए एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी, जिसके चलते उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसको देखते हुए पूरे गांव को जो है हॉटस्पॉट कर दिया गया था और कोई अभी तक हमारे क्षेत्र में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। जैसा कि जनपद में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो शासन प्रशासन कैसा काम कर रहा है? शासन प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ नगर पंचायत ने निगरानी समिति का गठन किया था। जो निगरानी समिति गठन की गई थी वो घर घर जाकर प्रवासियों की लिस्ट तैयार कर रही है और कम से कम लगभग 100 होम क्वारंटाइन लोगों को प्रवासियों को किया गया है। आपके क्षेत्र के नेता विधायक और ये जैसे चेयरमैन है जी, इनका क्या सहयोग है? नगर पंचायत चेयरमैन शहजाद अहमद का सहयोग जनता के लिए बहुत रहा। उन्होंने जो है जनता को राहत सामग्री और हर तरह से जो है सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जागरूकता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और हमारे विधायक बिजनौर विधायक सूची चौधरी के पति मौसम एडवोकेट ऐश्वर्या ने भी यहाँ राहत सामग्री लोगों को बांटी है और लोगों को जागरूक किया है। उनकी टीम भी लगातार कस्बे में लगी हुई थी। जैसा कोरोना महामारी के चलते जनता अपने अपने घरों में है और आप क्षेत्र में कवरेज कर रहे हैं, तो कि आपको किसी की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? सर अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, हम बहुत एहतियात बरतते हुए पूरे उसको कंट्रोल करते हुए हमने कवरेज की है। जी जी जी। लॉकडाउन 5 में जिला प्रशासन ने जनपद वासियों को शर्तों के साथ रियायत दी थी। जी सर। क्या जनता व दुकानदार प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं? सर देखिए, लॉकडाउन 5 में जो जिलाधिकारी महोदय की गाइडलाइन जारी की गई थी, उस गाइडलाइन पर जो है काम नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो व्यापारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि आप अपने जो है सैनिटाइजर कराएं और दूरी बना करके रखें, साप्ताहिक बंदी के दिन भी पूरा बाजार खुला रहा। कोई लॉकडाउन 5 में जो है गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान जी खबरों से अपडेट कराने के लिए।